आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मनहर अरोड़ा ऋतुराज अरोड़ा ने मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर यज्ञ वेदी पर विशेष आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर यज्ञ ब्रह्म आचार्य एवं मुख्य वक्ता सुरेश शास्त्री ने पवित्र पावन वेद मंत्र द्वारा यज्ञ को सम्पन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन सम्राट श्रेया शर्मा लुधियाना वाले, भजन गायक रवि पौडवाल और गायिका सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर मंत्र मुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रणजीत आर्य ने आए हुए सभी याज्ञिक परिवारों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनित भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नलिनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैजनाथ राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें जीवन में ऐसे श्रेष्ठ कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। जब जब हम ऐसे पवित्र और श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो हमारी जो आत्मा है, मन है, वो प्रफुल्लित हो जाता है, हमें आनंद मिलता है और वही आनंद हमारे जीवन को सफल बनाता है। आप देखते हैं कि लोग संसारिक भोगों के पीछे कितना दौड़ रहे हैं और उन संसारिक भोगों में इतना लिप्त है, ना उन्हें मनुष्य जीवन का उद्देश्य पता है, ना धर्म का पता है, ना अपनी संस्कृति का पता है, ना अपनी सभ्यता का पता है। तो जब हम इन संसारिक भोगों से ऊपर उठकर थोड़ा आत्म चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, अपने ऋषि मुनियों ने जो हमें मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर चलने का हम प्रयास करते हैं, तो वास्तव में हमें आनंद की प्राप्ति होती है और हमें ये ज्ञान होता है कि वास्तव में हम इस संसार में क्यों आए हैं, मनुष्य का जीवन हमें क्यों मिला है। तो इस प्रकार हमारे लिए सत्संग एक औषधि का काम करता है। जैसे अगर कोई रोगी है तो उसे औषधि दी जाती है तो स्वस्थ हो जाता है। वर्ष महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती है और 24 फरवरी से विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न समाजों में आयोजित किए जा रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम महर्षि दयानंद के संदेश को घर घर तक पहुंचाएं। ऋषि दयानंद के आने से पूर्व भारतवर्ष की क्या अवस्था थी सामाजिक रूप से? एक साल से कम बच्ची भी विधवा 1911 की जनगणना के अनुसार थी। बाल विवाह होता था, सती प्रथा थी और धार्मिक क्षेत्र के अंदर अंधविश्वास और पाखंड फैला हुआ था। यहां तक कि शिवाजी महाराज, जिन्होंने हिंदू जाति की रक्षा का संकल्प लिया, उन्होंने भी 14 करोड़ खर्च होने के बाद भी उन्हें गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। यह अवस्था ये सोच सकते हो कि किस प्रकार की भयानक अवस्था थी। अगर महर्षि दयानंद सरस्वती ना आते तो इस देश का क्या होता? अगर इस देश की स्वतंत्रता की मैं बात करूं, क्रांति धारा और शांति धारा, क्रांति धारा के जनक श्याम जी कृष्ण वर्मा जो कि महर्षि दयानंद जी के पट शिष्य थे, और शांति धारा में नरेंद्र उसके दादा भाई नरोजी थे और दादा भाई नरोजी लगातार उनके आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग अटेंड करते रहे हैं। आर्य समाज एक आंदोलन भी है, आप सभी को पता है। हमारे बहुत से विद्वानों ने इन वेद मंत्रों को पढ़ करके वेद मंत्रों से क्या कुछ नहीं पाया जा सकता। अभी हमारे बीच में रोशनलाल जी वेद प्रचार मंडल के जो
इतना वेद प्रचार का बहुत कार्य कर रहे हैं ये, कि बात कर रहे थे जो बिल्कुल सही है, यज्ञ के द्वारा हमें बहुत कुछ छुपाया जा सकता है। लेकिन हमें आत्मा की खुराक क्या है, हम कहते क्या है, शरीर को सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के हम पदार्थ यूज करते हैं, दिखावे के लिए सुंदर कपड़े डाल लेते हैं, लेकिन आपने अंदर देखो आपके अंदर क्या है, उसको के उसकी खुराक है आत्मा की खुराक क्या है, प्रभु का सिमरन, प्रभु का नाम जाप करना, उसके साथ जुड़ना। प्रातः काल जब उठते हो तो सबसे पहले परम पिता परमात्मा का धन्यवाद किया करो।